बचपन, यादों का बचपन, बहुत सुहाना बचपन होता है। मैं वापस अपने पुराने दिनों में, जब मैं बहुत छोटी थी और मुझे गांव बहुत पसंद था, तो गांव में जब जाते थे तो छोटी छोटी सहेलियों के साथ में, दोस्तों के साथ में, नदी में जाते थे, तिलकोरियाँ उसकी लहरों में पत्थर उठा के मारते थे, उसकी लहरें तो हम लोग गिनते थे किसकी लहरें कितनी आई हैं, तो उसमें एक गेम हो जाता था। तो बचपन का कोई और छोर नहीं होता है। फिर दोस्तों के साथ में नदियों पे जाना, पेड़ों पे चढ़ना, मौज मस्ती करना, छुपम छुपाई खेलना, सितोलिया खेलना, ये सब बहुत ज़रूरी भी होता है और बहुत मस्ती का टाइम होता है। कोई जिम्मेदारियां नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्वच्छंद आसमान, धरती, प्रकृति, पेड़ पौधे, तितलियाँ, पक्षी, ये सब हमारे सहचर थे और इनके साथ खूब मौज मस्ती करते थे। उस टाइम बाद जब वापस घर आते हैं माँ के आंचल में, फिर वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का बोझ, स्कूल जाना, स्कूल में भी मौज मस्ती करना, इतना ज़्यादा वही पुरानी यादें, दोस्त, यहाँ नए दोस्त बनना, दोस्तों के साथ में घूमना, टॉफीज खाना, आइसक्रीम खाना, उनके साथ में मस्ती करना, बातें करना, कुछ बीच बीच में पढ़ाई की बातें करना, पढ़ाई लिखना, पढ़ना, ये सब चलता रहता है। इसके साथ बचपन जो है वो भी मुझे लगता है प्रौढ़ होता जाता है। फिर इन्हीं सब यादों के साथ में धीरे धीरे स्कूल से मैं 9th-10th में पहुँचती हूँ। वहाँ पे दोस्त और बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रंग रोगन, गांव की यादें जुड़ी हुई होती हैं, तो वो चित्रों में, बातों में, आपस में, कहानी किस्सों में निकलते हैं वो। फिर वापस माँ के साथ बैठ करके बहुत सारी गॉसिप, बहुत सारी कहानियाँ दादी नानी की जो गांव में सुनते थे, वापस माँ के पास में आकर के बहुत सारी बातें होती हैं। वापस वही गांव की नदी, तालाब, पेड़ पौधे, तितली कहीं हमारे जहन में ऐसे बस गए थे वो चित्रों के माध्यम से, स्कूल टाइम में आने लगे। वापस धीरे धीरे मुझे लगा मेरा बचपन हमारे अंदर ही बढ़ता चला जा रहा है और वो बचपन फिर स्कूल से मैं कॉलेज में पहुंचती हूँ। फिर कहीं मुझे लगता है कहीं मैच्योरिटी आती जाती है और वो बिंब वहाँ पे जब बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, बहुत सारी कहानियाँ गढ़ना, बहुत सारे प्ले, हम लोग ड्रामा खेलते थे, बहुत प्रोग्राम्स होते थे, तो उसमें सारा मैनेज, सब कुछ हम लोगों को करना पड़ता था। तो मुझे लगता था वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो बचपन में हम पेड़ पे चढ़ते थे, नदी तालाब में पानी में चले जाते थे बिना डरे, निडर उसमें कि कहीं ये भी डर नहीं रहता था कि बहना है या क्या, वो आत्मविश्वास मुझे कॉलेज में वही सारी चीज़ें टीचर्स के साथ में जब कोई प्रोग्राम होता था, कुछ भी हम लोग को करना होता था, बहुत आत्मविश्वास से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, तो उसमें कहीं एक आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा पेरेंट्स की भी होती थी, क्योंकि घर में मदर फादर का बहुत सादा जीवन, उच्च विचार था, वो इम्प्रेशन हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं, मतलब मेरे अंदर आता गया। तो बचपन के साथ में सहजता, फिर स्कूल में आना, कॉलेज में आना, प्लस संस्कार हमारे परिवार के, वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं थे, वो हमारे अभिव्यक्ति में, वो कला हो, साहित्य हो, क्योंकि परिवेश हमारे घर का यही था, गांधी से जुड़े हुए हमारे पेरेंट्स थे और विचार, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। तो उस समय जो भी मैं निराला पढ़ती थी, गुप्त जी पढ़ते थे, कुछ भी ऐसे, क्योंकि एटमॉस्फेयर घर का यही था, तो सब में यही सहजता का भाव रहता था, तो वही हमारी एक पर्सनैलिटी बनती चलेगी अप्रत्यक्ष रूप से, कोई जान करके नहीं, हमारे विचारों में भी वही सादगी आने लगी, वही निश्चलता। कॉलेज में भी जो काम हम लोग करते थे बहुत तन्मयता से करते थे, क्योंकि ये हमारे जहन में बसा हुआ था, हमें विरासत में मिला हुआ था कि जो भी मैं काम आप करिए वो ईमानदारी से करिए, सहजता से करिए, और वो अपने लिए करिए, ये नहीं आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। जब आप अपने लिए कोई काम करेंगे तो आप दूसरों को वो अपने आप पसंद आएगा। तो ये ईमानदारी संस्कारों में थी, हमारे पेरेंट्स हमारे कला से जुड़े हुए थे, तो वो संस्कार भी माँ के बचपन से थे, रंग रेखाओं के साथ में। कॉलेज में आते आते वो सब मैच्योर हुए और उसके बाद में जो भी कंपोजिशन जहन में आता था, मन में आता था, हमारे अंतस में जो भी संयोजन या बिंब कोई होता था, तो वो कहीं शब्दों से, पहले टूटे फूटे शब्दों से, फिर वो रंग और रेखाओं के माध्यम से,
तो धीरे धीरे वो पनपते गए और फिर उसके बाद में जो माता पिता का एक झुकाव था, हमारे पेरेंट्स का कि सादा जीवन उच्च विचार, तो उसके पीछे मैंने देखा, जब मैं मैच्योर हुई तब देखा कि गांधी उसके पीछे थे, क्योंकि हमारे पिताजी के जो एक मॉडल थे वो गांधी थे। फिर मुझे जब मैं बड़ी हुई तब समझ में आया कि ये सहजता, ये इनोसेंसी, ये सारी एक इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना विशाल व्यक्तित्व, वो मेरे पेरेंट्स हमारे अंदर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पिरो दिया था, जो आज तक हमारे चित्रों में, हमारी कविताओं में, जो भी लेखन है काव्य कला के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हमारी वो अनवरत एक सह यात्रा है काव्य कला की। और उसके साथ जब मैंने पढ़ना, मतलब जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, तब मैंने देखा कि थोड़ा सा गांधी को भी पढ़ूं मैं, तो वो मैच्योरिटी, वो विजन, जो दृष्टि हमें अभेद मिली थी, वो जब अपनी दृष्टिकोण से मैंने पढ़ना शुरू किया, संस्कारों में तो मेरे था, पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं इनसे आत्मविश्वास, आत्मबल इनके विजन में है। तो फिर जा करके अपनी दृष्टि से मैंने उनको देखा, गांधी जी को पढ़ा, और फिर आकर के उनकी जो एक सह यात्रा थी उसके साथ में हमने अपने अंतस की यात्रा को जोड़ने की कोशिश की, और इतना अध्ययन किया, इतना कि उनके हर विचार, हर रेखा, हर शब्द उनकी अप्रत्यक्ष रूप से, उनमें भी रंग थे, उनके विचारों में भी रंग थे, बहुत सारी रेखाएं थी, बहुत सारा होराइजन था, उन सबको अध्ययन किया, थोड़ी कोशिश की कि अपनी दृष्टिकोण से मैं कैनवास पे उनके विचारों को व्यक्त कर सकूं, जिसका हमने वो अपने दृष्टिकोण से कोशिश की है रचने की कैनवास पे, क्योंकि उनकी सहजता, उनका सादा जीवन, उच्च विचार हमें बचपन से ही मिला। और समझा मैंने मैच्योरिटी में आकर के जब अध्ययन किया, तब पता चला कि वो जो सहजता हमें संस्कारों में मिल रही थी वो गांधी के विचारों की ही थी। मेरे ऊपर बचपन में कहीं गांधी नहीं थे, वो एक विचार था मेरे पेरेंट्स का, लेकिन पेरेंट्स के विचारों में कहीं गांधी घुले मिले थे। तो वो सहजता आकर के मैंने जब अपनी मैच्योरिटी में आई, तब उनको बहुत अध्ययन करके और कैनवास पे, ये चित्र जो है महत्वपूर्ण है ताने बाने को लेकर के, कि गांधी जी की विचारधारा में उनकी विचारधारा यदि ताने बाने जैसी हो जाती है तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है जो है। उसी विचारधारा को हमने इसमें धागे के रूप में, ताने के रूप में सर्वत्र दिखाया है, जो जब तक विश्व है तब तक उनके विचार ताने बाने के तरीके से गुथे रहेंगे। इस चित्र में भी है टूटी हुई छड़ी, हमने उनके डंडी जो है लाठी टूटी हुई दिखाई है, चश्मा क्रैक है, लेकिन गांधी जी की जो विचारधारा है उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। वो जब तक विश्व है तब तक उनकी विचारधारा है, वो असंभव है उनकी विचारधारा को तोड़ पाना। ये गांधी जी के चिंतन के ऊपर आधारित है, उनकी एक इंप्रेशन थोड़ा सा दिया गया है कि वो चिंतन मनन में बैठे हुए हैं, तो एक रेखाओं से, सिंपल रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया है। फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा आया कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ नया दिया है हमारे अंदर, तो हम भी कुछ ऐसा करें कि गांधी में कुछ नया कर सके। वैसे गांधी में नया करना, गांधी के विचारों में नया करना असंभव है, लेकिन हमने सोचा कि अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार उसमें कुछ नया करें। तो दिमाग में आया सडनली कि कुछ ऐसा चित्र बनाएं जिसमें वो तीन चीज़ों से प्रभावित थे। गांधी की पूरी जीवन है उसमें हमने देखा वो तीन अंकों से प्रभावित रहे हैं, तो मैंने सोचा कि गांधी की एक विशाल चित्र बनाया जाए गांधी का, और उसमें तीन बिंदुओं को लिया जाए। तो जो आप चित्र यहाँ पे देख रहे हैं उसमें उनकी आँख, बुक और उनके पैर आपके साथ 90 डिग्री एंगुलर जर्नी करेंगे, और ये आप कहीं भी खड़े होंगे। तो मेरे दिमाग में ये था कि गांधी हमारे साथ अनवरत रहें और रहेंगे, जब तक विश्व है तब तक रहेंगे। इस विचारधारा को लेकर के मैंने इस गांधी का सृजन किया है, और उनके विचारों को लेकर के अलग अलग हमने प्रस्तुत किया है रंगों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से। और सबसे प्रमुख विशेषता ये रही है, या मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया है कि गांधी को यदि हम पेंट कर रहे हैं तो मुझे चमक धमक नहीं चाहिए। जो गांधी जी कहते थे
कि आप सहजता से कोई भी माध्यम आप ले सकते हैं अपने विचारों के लिए, तो इस चीज़ को भी हमने ध्यान रखा है और इस चीज़ को लेकर के हमने चित्रण किया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। यह हमारा प्रयास है और यह हमारे पेरेंट्स का, हमारे संस्कारों का, हमारे बचपन की सहयात्रा है गांधी जी के विचारों के साथ। यात्रा, अनंत यात्रा, यात्राओं का जमघट बहुत विशाल होता है और ये ऐसी यात्रा जो अनंत काल तक चलती रहती है, बचपन से लेकर के एक ऐसे पड़ाव तक जाती है जहाँ पे बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं बिंदुओं को लेकर के इसमें इस पैरों के निशा को दिखाया गया है और इसमें उस गति को भी दिखाया गया है जिससे ये अनंत तक ले जाती है, एक होराइजन तक, जहाँ पे जाकर के हमें बहुत सारे विचार मिलते हैं, बहुत सारे थॉट हमें मिलते हैं और हमें कैनवास दिखाई देता है, रंग दिखाई देते हैं, रेखाएं दिखाई देती हैं। इसी के साथ ही यात्रा माँ के साथ की होती है। बचपन बहुत गंभीर यात्रा है और बहुत सहज यात्रा है। माँ का दिया हुआ हर शब्द, हर रेखा, हर वो रूपाकार बचपन से ही अंतस में समाया हुआ होता है। माँ जब सहज रेखाओं के साथ में कुछ भी चित्रण करती थी तो उसके साथ में वो शब्दों को भी जोड़ करके और रेखाओं की महत्व को बताती थी, तो वो संस्कारों में घुलता गया, क्योंकि माँ का एक एक शब्द अंतस तक जाता है और वो तब तक रहता है जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं। इसलिए माँ की बताई हुई एक एक रेखा, एक एक रंग, वो हमारी सहजता के साथ हमारे अंतस में विराजमान रहता है। इसी के साथ जब उन्होंने हमें रंगों के बारे में, रेखाओं के बारे में बताया और मैं स्टेप बाय स्टेप बड़ी होती गई तो वो रेखाएं, वो रंग और कलरफुल होते चले गए हमारे कहीं अंतस में। वो अंतस हमारा माँ के साथ जुड़ा हुआ था, माँ की महक हमारे साथ। मैं बढ़ती गई, बड़ी होती गई, रूपाकार माँ के दिए हुए हमारे अंदर मैच्योर होते चले गए, उन्होंने अपनी जगह बना ली हमारे अंतस में। इसी यात्रा में जब माँ से दूर हुए और मैं वनस्थली विद्यापीठ में आई तो वो जो दिए हुए बचपन के संस्कार माँ के थे, जो दी हुई रेखाएं माँ की थी और जो वो रंग माँ के दिए हुए थे, वो और भी सहज होकर के प्रकाशित हुए हमारे कैनवास पे। मैंने गांधी जी के सिवा पढ़ा है टॉलस्टॉय को, और जब मैंने गांधी जी को, टॉलस्टॉय को उनकी स्टोरीज पढ़ी है, उपन्यास पढ़े हैं, जब गांधी जी को पढ़ा मैंने तो पता चला कि गांधी जी भी टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, रस्किन से प्रभावित थे। और मुझे साहित्य में बहुत रुचि है, मैंने एमए भी साहित्य में भी किया है, तो मुझे निराला वानगो ये बहुत पसंद है। निराला हिंदी के थे, मेरा शोध जो है वो काव्य कला के ऊपर ही है। निराला को मैंने अध्ययन किया, फिर जब हिंदी में एमए किया और जब मैंने ड्राइंग पेंटिंग में एमए किया तो वैंगॉग को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा पूरा परिवेश अलग है। निराला हिंदुस्तान के हैं और वानगो डच हॉलैंड के थे, लेकिन इनकी वैचारिक जो एक समरूपता थी, एक थी, अंतर सृजन की विशालता जो थी वो बिल्कुल एक रूपता एक थी। जो ऐसा लग रहा था जो निराला ने काव्य किया है, काव्य की रचना की है, वो वैन गॉग ने रंगों से पिरो दिया है। तो ये सहजता मैं गांधी के अलावा मैं किसी को भी पढ़ती हूँ तो मुझे गांधी उसमें नज़र आते हैं, क्योंकि गांधी की सहजता और एक इनोसेंसी, वो किसी भी विधा का कलाकार हो, उसके अंदर एक संवेदनशीलता होना, एक बच्चे का होना, वो बहुत ज़रूरी है, जिसको गांधी जी ने कहा था। तो जब गांधी जी को सर मैंने पढ़ा तब ये लगा कि गांधी तो हर जगह व्याप्त है, मतलब हमारी दृष्टि से मैं किसी भी साहित्यकार को पढ़ूं या वो किसी भी, वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, किसी भी भाषा का हो या चित्रकार हो, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें गांधी की जो सहजता है वो दिखाई देती है। और वो सहजता ही अभिव्यक्ति की शक्ति होती है। वो अभिव्यक्ति वो किसी भी माध्यम में हो, शब्दों में हो, रंगों में हो, रेखाओं में हो, पत्थर में हो, किसी भी उसमें हो। इस चित्र में गांधी जी के चरखे को, ताने बाने को दिखाया गया है दूर, बहुत दूर इसमें गांधी। अब इसमें गांधी भी दिख रहे हैं, इसमें टॉलस्टॉय भी दिख रहे हैं, इसमें टैगोर भी दिख रहे हैं। गांधी जी की विचारधारा इतनी सशक्त थी तो कुछ ऐसा हमने बनाया है, एक की आइज दिख रही है तो हमें गांधी भी दिख रहे हैं, टॉलस्टॉय भी दिख रहे हैं और हमें बहुत ध्यान से देखें तो टैगोर भी दिख रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि
हर विचारधारा में सहजता, सत्य, निष्ठा ये समाहित होती है। गांधी की विचारधारा को लेने का मेरे सबसे मेन उद्देश्य ये रहा है कि गांधी के पहले मैंने जो बचपन से पढ़ा, गांधी को मैंने बहुत बाद में पढ़ा है, विचारधारा मेरे पेरेंट्स पूरे गांधी से जुड़े हुए हैं, वो पूरा इम्प्रेशन, वो संस्कार मेरे उसमें थे, लेकिन गांधी को मैंने पढ़ा नहीं था, सिर्फ सुना था। गांधी के पहले मैंने बहुत अध्ययन किया, अपने हिसाब से बहुत लोगों को पढ़ा, बहुत साहित्यकारों को, कलाकारों की जीवनी पढ़ी, इरविन स्टोन ने जो लिखा है बैंगॉक के ऊपर लिखा हो, जांपा सार्त्र ने लिखा हो, सिमो द बोवा ने जांपा सार्त्र की लाइफ के ऊपर लिखा हो, तो उसमें मैंने देखा कि जो भी बात ओरिजिन कोई भी साहित्यकार कह रहा है, कलाकार कह रहा है, सहजता की कह रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है, तो जब मैंने गांधी के बारे में सोचा, कहीं से मुझे यही हुआ कि गांधी की कुछ लाइनें मैंने पढ़ी थी कि उनके जीवन में तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, उनकी मदर, उनकी पत्नी और मेड जो उनकी नौकरानी थी, तो मदर से मैं भी बहुत बचपन से, मतलब मदर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और हमारे भी जीवन में तीन लोगों का, मम्मी पापा और हमारे चाचा जी, तो कुछ ऐसे समीकरण बने वो पढ़ने में कहीं आया, तो जब गांधी जी को मैंने सोचा पढ़ते हैं, तब मेरे को लगा कि मैं किसी भी कलाकार की जीवनी पढ़ूं या उसकी पेंटिंग देखूं, किसी का उपन्यास पढ़ूं, प्रेमचंद जी को पढ़ूं, किसी को भी, तो मुझे लगा इसके पीछे जो पूरी विचारधारा है वो गांधी की है, क्योंकि ईमानदारी को लेकर के, सहजता को लेकर के जो बात कही है तो गांधी ही बोल रहे हैं। प्रेमचंद की गोदान यदि हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे भी गांधी मुझे नजर आ रहे हैं। गोरकी की यदि हम मदद पढ़ रहे हैं उसके पीछे मुझे भी गांधी नजर आ रहे हैं। निराला को भी हम पढ़ रहे हैं, टैगोर को भी पढ़ रहे हैं, तो सबके पीछे विचारधारा मुझे सहजता की, ईमानदारी की, तो मुझे लगा कि मैं गांधी, जब मुझे हर जगह सत्य अहिंसा दिखाई दे रही है तो मैं गांधी का अध्ययन करूँ, ये मेरा प्रेरक बिंदु था इन चीज़ों को लेकर के। फिर मैंने गांधी का अध्ययन किया और इतना जितना मुझे मिल पाया उतना मैंने अध्ययन किया और ईमानदारी से, और कहीं मुझे लगा मेरे अंदर तो संस्कार थे ही, तो उसके साथ में मैंने दिन रात एक सालों साल पढ़ा गांधी को, और पढ़ने के बाद में आज भी मैं किसी भी उपन्यास को पढ़ती हूँ, कोई पेंटिंग देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं रियल में यदि आर्टिस्ट ने अभिव्यक्त की है सहज रूप से, तो उसमें ईमानदारी होगी, ट्रुथ होगा, वो निश्चित होगा, और यही इन्हीं बातों पर गांधी जी ने जोर दिया था, जो मेरा सबसे प्रमुख कारण रहा है गांधी की तरफ जाने का और उनके विचारों को पेंट करने का। ऐसा नहीं, मैं और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो दृश्य चित्र, लैंडस्केप, नेचर हमें बहुत प्रभावित करता है। गांधी जी को जब मैंने पढ़ा तो नेचर से वो घुले मिले, नेचर में ही, जब वेद कुछ ऐसा है जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे एस्थेटिक पढ़ाने का मौका मिला, तो वेदों को भी पढ़ा मैंने, तो वेद तो सृजन हुई है नेचर के बीच में, वेदों का सृजन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से जो टूटी फूटी थी वो जुड़ती जुड़ती जब मैंने गांधी जी को पढ़ा, तो गांधी जी भी सीधे वेदों से प्रभावित थे और उनसे जुड़ करके, तो मुझे सारी चीज़ों का जो जोड़ लगा वो लगा कि गांधी पे मैं थोड़ा सा काम करके देखूं, और वो थोड़ा सा काम हमारे हिसाब से बढ़ता गया, और हमने सबके साथ, हर साहित्यकार के साथ, कलाकार के साथ में अध्ययन किया, जब गांधी को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं इनको चित्रित करूं, और जो भी अभी थोड़ा बहुत इस गैलरी में है चित्रित किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ गांधी के चिंतन को चित्रित कर सकती हूँ, लेकिन उसके पीछे सबका सपोर्ट रहा है, वो या कोई भी साहित्यकार हमने पढ़ा हो, किसी भी कलाकार की जीवनी पढ़ी हो, तो कहीं ना कहीं उसके साथ में गांधी जी के विचारों का है। और हमने एक लेख लिखा था, उसमें ये था कि गांधी जी की चित्रों की इंडिया में और बाहर विदेशों में कितना चित्रण हुआ है, मूर्तियाँ बनी, तो मैंने देखा कि इंडिया से, भारत से ज़्यादा वेस्टर्न आर्टिस्टों ने मूर्तियाँ बनाई हैं, चित्र बनाए हैं, तो ये हमारी मतलब विचारधारा बढ़ती चली गई, और एक पड़ाव ऐसा आया कि मुझे लगा कि इनके विचारों को चित्रित करना चाहिए, तो सबसे प्रमुख रहा है, लेकिन इसके पीछे सारी विचारधारा जितना हमने पढ़ा है वो सब हमारे साथ हमारी जर्नी में विचारों के रही है। अरे वाह,
उसके बाद मेरे को बताई है इन्होंने, क्या नाम है आपका, इन्होंने क्या इतने सारे चश्मे बने हैं, तो वो क्यों बने हैं कि उनकी तरीके से ही सब लोग देखें। अब उनकी तरीके से सब देखने का मतलब क्या हुआ? हाँ है कि यदि ऐसा ही हर व्यक्ति के अंदर हो जाए तो वो दुनिया ही अलग होगी, सत्य अहिंसा के जैसी, मतलब वहां पे सत्य होगा, अहिंसा होगा और इसके अलावा वहां कुछ नहीं, सद्भाव होगा, सहजता होगी, प्रकृति से जुड़ाव होगा। अगर ऐसा हो जाता है और मेरा जो थोड़ा सा कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेरा प्रयास भी यही है। गांधी जी की विचारधारा को हम बहुत पेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ किया है अभी तक अपने हिसाब से, लेकिन गांधी जी को पेंट करने के पीछे मेरी विचारधारा यही रही है कि यदि इस एग्जीबिशन को, इस प्रदर्शनी को देखने के बाद यदि 10 लोगों की विचारधारा पॉजिटिव होती है तो मुझे लगता है मेरी ये प्रदर्शनी सफल होगी। और हमें लगता है कि बिल्कुल यदि प्रयास गलत रहेंगे, हम लोग हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे और हैं, तो वो दुनिया अलग ही होगी।